बादशाह 1,25,000 के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। तो फाइनली दोस्तों, हिंदुस्तान के हर एक फौजी और एक आम इंसान के अंदर आम इंसान से सच्चा देशभक्त बनाने की कला सिखा देने वाली और साथ ही भारत के हर एक फौजी भाइयों के लिए दिल से दुआ और रिस्पेक्ट बढ़ा देने वाली अब तक की सबसे ज्यादा मच अवेटेड, सबसे ज्यादा यूनिक और हर एक हिंदुस्तानी जो कि अपने देश से दिल से प्यार करता है और गर्व करता है कि वो भारतीय है, उन सभी की ऑल टाइम फेवरेट ब्लॉकबस्टर गोल्डन जुगली यादगार फिल्म बॉर्डर, जो कि 26 साल पहले 1987 में आई देशभक्ति पर बनी वो फिल्म थी जिसने हिंदुस्तान के गांव से लेकर शहर, बच्चे बूढ़े और जवान हर किसी को निस्वार्थ भाव से देशभक्ति के मायने सिखाए थे। और वैसे तो देशभक्ति के ऊपर न जाने कितनी फिल्में बनी होंगी, लेकिन ऐसा क्रेज और ऐसा इमोशन किसी फिल्म के साथ नहीं जुड़ा जैसा बॉर्डर फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है लोगों का। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के पार्ट 2 को लेकर और फिल्म के निर्माता ने क्या कहा है बॉर्डर 2 को लेकर, और साथ ही बात करेंगे ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिल सकती है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानने को मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्सिक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिल्म निर्माता जेपी दत्ता जो कि बॉलीवुड के और मेरे वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट डायरेक्टरों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत ही कम फिल्में बनाई हैं, लेकिन इनकी पुरानी से पुरानी फिल्में अगर आप आज भी देखोगे तो आप बोर नहीं हो सकते, और इन्होंने ही बॉर्डर बनाई है। और एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काफी लंबे समय से बॉर्डर 2 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और खबरें यहाँ तक है कि ये बॉर्डर 2 ही नहीं बल्कि बॉर्डर 3 और बॉर्डर 4 भी बनाएंगे। और ये इस बार फिल्म को बहुत ही अलग अंदाज में बनाने वाले हैं, जो कि आज के दौर और पुराने दौर, यानी कि ये फिल्म हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आए कुछ इस लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि बॉर्डर की रही बॉर्डर 2 भी एक यादगार फिल्म बन जाए। और जैसा कि जेपी दत्ता का रिकॉर्ड रहा है, ये हमेशा ही देशभक्ति के ऊपर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, और आज तक इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है वो सारी की सारी यादगार फिल्में रही हैं। और जी हां दोस्तों, बात करें इस बार फिल्म के स्टार कास्ट की, तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स खबरें आ रही है कि फिल्म में स्टार कास्ट में पुराने स्टार कास्ट के साथ नई स्टार कास्ट भी दिखाई देगी, जिसमें सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनके साथ जिसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम निकल कर आ रहा है। हालांकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, यानी कि एक बार फिर सालों बाद सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के डायलॉग फिर एक बार धूम मचाएंगे। और बात करें रिलीजिंग की, तो रूमर्स हैं कि गदर 2 रिलीज होने के बाद इस फिल्म पर काम चालू होने वाला है, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म आपको 2024 के लास्ट में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। बाकी कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स बहुत तगड़े निकल कर आ रहे हैं। बाकी फिल्म से कोई जैसी नई अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप बॉर्डर 2 के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।